नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल एग्जाम बिहार। ये वीडियो केवल एजुकेशनल रिलेटेड बजट पॉइंट को कवर करेगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपना पहला बजट पेश किया। बिहार में वित्त मंत्री वित्त वर्ष 24-25 बजट सदन में पेश किया गया। इस बार सदन ने उन्होंने 2,78,752 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पहले बजट से 7% ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, 7% एनडीए सरकार ने इस बजट से अपना मनसा पूरा तरह से साजिश पर लगा दिया है कि उनका पूरा फोकस युवाओं एवं महिलाओं पर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, छात्रों और युवा लड़कों और महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस रहेगा उनका। जी हाँ, बजट से ये भी स्पष्ट हो गया है कि इस बार भी बिहार में नौकरियों की बाढ़ आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नौकरियों की बाढ़ लग जाएगी इस बार भी। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनडीए सरकार ने अपने बिहार राज्य में 2,64,000 से ज्यादा नौकरी देने की वादा की है। जी हाँ दोस्तों, 2,64,000 नौकरी वैकेंसी देगी सरकार छात्रों को। वित्त मंत्री ने अपनी बजट में बताया है कि इसकी अधिसूचना भेजी जा चुकी है। इसके तहत बीपीएससी के माध्यम से 2,46,000 वैकेंसी, बिहार एसएससी के माध्यम से 10,374,000 वैकेंसी, एक सेकेंड, तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से 7,872 पद पर वैकेंसी निकाली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी नगरों में भी जीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 150 करोड़ बजट का ऐलान किया है, जो कि 2024-25 में दिया जाएगा। बजट के अनुसार युवाओं को क्या मिला? 24-25 में सरकार ने वादा किया है कि युवाओं को 2,64,000 पदों पर नौकरी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी 2,64,000 पर आएगा युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता योजना में 200 करोड़ रुपए, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 373 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जीविका परियोजनों के तहत 3,000 पदों पर बहाली दी जाएगी तथा आधुनिकता पर 660 करोड़ खर्च किया जाएगा। के छात्रों को क्या मिला? राज्य में आईआईटी में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 366 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पॉलिटेक्निक में छात्रों को बढ़ावा देने के लिए 85 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की वादा की गई है। लड़कियों को हायर एजुकेशन देने का वादा, जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 35,000 लड़कियों के प्रशिक्षित कर उनका नौकरी रोजगार देने का। महिलाओं को क्या मिला इस बार के बजट में? महिलाओं को क्या मिला? महिला अधिकर्मियों को 250 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जीविका कार्यक्रम के तहत 1,00,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। न्यू मेंबर महिलाओं को विभिन्न बैंकों में 10,000 करोड़ रुपए लोन दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा बजट इन्फॉर्मेशन होता है ख़त्म। इस वीडियो में हमने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक जो कवर कर वीडियो बनाया था, और सारे ही एजुकेशनल टॉपिक को कवर कर दिए हैं। अगर आप बजट से ब्रीफली डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और विजिट करें एक बार ज़रूर। तो दोस्तों, बिहार की हर एजुकेशनल पर्पस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर, एग्जाम बिहार। थैंक यू दोस्तों।